एससी एसटी आरक्षण का जो वर्गीकरण का फैसला है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको नहीं मान्य दिया जाए। पूरे भारत पे अपने शासन किया हुआ है, हमारा मांग है आरक्षण पे जो वर्गीकरण किया गया है उसको वापस लिया जाए। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। पूरे भारतवर्ष में भीम आर्मी के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया, वहीं आप भागलपुर में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं एस सी एस टी के लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में भीम के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें आज भागलपुर में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भागलपुर के स्टेशन चौक जहां भी हम मौजूद हैं, स्टेशन चौक से लेकर के ततारपुर खलीफा भाग के सभी दुकानों को बंद कराया गया है। वहीं आपको हम बता दें कि वहीं इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, एम्बुलेंस वगैरह की आवाजाही चालू किया गया है, रखा गया है। वहीं लोगों के द्वारा जा रहे बाइक वाले को रोककर उनको अपने घर में जाने को बोल रहा है। वहीं आपको उन सारे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या उनके द्वारा कहा जा रहा है, साथ ही साथ किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। वहीं स्टेशन पे अभी हम मौजूद हैं, स्टेशन में सामान्य व्यवस्थाएं हैं। वहीं हम उन सारे वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आकाश कुमार है और हम यहाँ पे आए हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो प्रेंटी जो फैसला आया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में वर्गीकरण हो जाएगा, क्रीमी लेयर हो जाएगा जैसे ओबीसी में है, उसके विरोध में हम हमारे समाज के लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारा विरोध इतना ही है कि ये जो फैसला आया है आपने किस आधार पर यह फैसला ले लिया कि अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिसकी आबादी 2011 के अनुसार 30 करोड़ है, आपको मानना पड़ेगा कि 30 करोड़ की आबादी इतनी होती है कि बहुत बड़े बड़े देशों का तो उतना कुल आबादी नहीं है जितना सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पूरा आबादी है 30 करोड़ 2011 के अनुसार, और आज 2024 हो रहा था, मान लीजिए 30 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। हमारा बस इतना ही मांग है कि ये जो वर्गीकरण का फैसला है उसको किसी भी रूप में चालू नहीं किया जाए कैबिनेट से, और हमारी सरकार जो मोदी सरकार अभी है उससे यही मांग है कि किसी भी रूप में एससी एसटी आरक्षण का जो वर्गीकरण का फैसला है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको नहीं मान्य दिया जाए। और हमारा जो उद्देश्य है, जो हम संविधान के रूप में संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। इसी चीज़ को हुजूम में ला के हम लोग अपने संविधान के तौर पे, संविधान को बचाने के तौर पे यहाँ पे बात करें। कहाँ तक गए थे? अभी यहाँ से हमारा स्टेशन से स्टार्ट हुआ, ततारपुर से लेके खलीफाबाग चौक से लेके फिर आपका क्या कोतवाली थाना से लेके फिर हम लोग यहाँ तक आ गए। मतलब मेन मार्केट जो भागलपुर का है उसको हम लोग कैप्चर किए, वहाँ के जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो मड़वाड़ी लोग हैं, उन लोगों के दुकानों को बंद कराया गया, वो भी संवैधानिक रूप से। किसी भी तरह का तोड़ताड़, किसी भी तरह का गाली गलौज, किसी भी तरह का धमकाना वो नहीं किया गया है, क्योंकि हम संविधान में मानने वाले लोग हैं, असंवैधानिक लोग नहीं हैं। मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेजियम सिस्टम ध्वस्त हो, कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बन रहे हैं उसमें भाई भतीजावाद है। अभी देख लीजिए कि जितना भी जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बने हैं उसमें एससी की संख्या नगण्य है। चार मात्र 78 वर्ष हो गए देश की आज़ादी का और केवल एससी का चार जज बना है अब तक में। उसी प्रकार एससी एसटी का जो वर्गीकरण किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है बिल्कुल असंवैधानिक है। कहीं संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है, इसका वर्गीकरण किया ही नहीं जा सकता है। ये एक समुदाय को मिला था, अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला था और इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। आज जैसे आप लोगों का परिचय, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव लेबर सेल। पूरे भारत पे अपने शासन किया हुआ है, हमारा मांग है आरक्षण पे जो वर्गीकरण किया गया है उसको वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो सुवर्ण जज है उसको निकाल करके दलितों बहुजनों को जज में बहाली किया जाए। ये जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा दादा परदादा बाप बेटा दोस्त वो जो आ रहा है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके, राजतंत्र तो खत्म हो चुका है ना, कहाँ खत्म हो चुकी है। आज भी सुवर्णों का हम लोग पे ऊपर राज है, ये हम दलितों पे आज भी वो हमला बोल रहा है, संविधान पे हमला बोल रहा है। हमारे बाबा साहब ने बहुत सारे कठिनाई करके संविधान को बनाया और इन मनवादियों ने, बीजेपी आरएसएस की सरकार ने, मनवादी सरकार ने संविधान पे लगातार हमला किया हुआ है।
संविधान पे लगातार हमला किया हुआ है। मेरी मांग है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और सरकारी सेवाओं में SC ST OBC के लोग ना के बराबर है, अधिक से अधिक संख्या में बहाली निकाला जाए। सरकार बहुत सारे सरकारी सेवाओं में पद खाली है, रिक्त पद है, उसमें प्राइवेट कंपनियां खटाई जा रही है, उसमें बहाली निकाला जाए।